जबलपुर जिले प्रशासन और नगर निगम के अमले ने थोक दवा बाजार का निरीक्षण किया। यहां पर सोशल डिस्टेंस के नियमों की अनदेखी सामने आ रही थी, जिसकी वजह से प्रशासन के अमले ने सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंस के मार्क लगाए और यहां पर टेंट लगाकर कुर्सियां रखी जा रही। होलसेल दवा मार्केट है यहाँ पे और मॉडल रोड पे। यहाँ पे भीड़ को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो रहा था, तो आज उसकी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे हर एक दुकान के सामने गोले बनाए गए हैं, जिससे ताकि लोग एक एक मीटर की दूरी पे खड़े हो सकें। इन लोगों की डिमांड पे वहाँ की, चूँकि लोग भीड़ बहुत होती है, तो वहाँ पर टेंट लगवाया गया है, कुर्सियाँ रखवाई जा रही हैं और बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि गाड़ियाँ भी व्यवस्थित खड़ी हो सकें। लोग जब तक इंतज़ार करते हैं तब तक वो टेंट में नीचे छाए में बैठ के कुर्सियों में आराम से इंतज़ार करें, और जैसे ही उनका नंबर आता है तो वो अपनी दवाइयाँ लेके वो जाएँ। इससे जो कोरोना वायरस को लेके, संक्रमण को लेके अभी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उन नियमों का पूरी तरीके से पालन हो सके। राकेश तिवारी, संभागीय अधिकारी 13। ऋषभ जैन जी एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री आरडी भारद्वाज जी द्वारा जबलपुर के दोनों थोक बाज़ार, दवा बाज़ार, सिविक सेंटर एवं मेडिसिन कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया एवं कल सोमवार से फुटकर दवा विक्रेताओं को दवा आपूर्ति के विषय में विभिन्न निर्देश जारी किए गए एवं नई व्यवस्थाएं जारी की गई। इसके तहत जबलपुर शहर को 9 हिस्सों में बांटा गया है और शेष 5 हिस्से कल और शेष 4 हिस्से परसों इनको दवा की आपूर्ति की जाएगी। यह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्रशासन द्वारा बहुत ही शानदार व्यवस्था बनाई गई है। इससे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन होगा और नगर में दवा की आपूर्ति भी बनी रहेगी। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय ऋषभ जैन जी SDM एवं RD भारद्वाज जी नगर पुलिस अधीक्षक ओमती, इन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ।